ए किधर है लाइट अंदर है अंदर जाओ रुको 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 सर रुको अरे आदर भाई फ्लैश नीचे करो थोड़ा सा अक्षय सर हाय अक्षय अरे आदर भाई थोड़ा सा फ्लैश नीचे चलो थैंक यू ओ सुनी बार रुको जरा चलो 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 गोल्ड की इधर गोल्ड के इधर गोल्ड के इधर अरे गाना अरे पीछे अरे पीछे चल रहा अरे पीछे चल रहा आगे क्यों आ रहा है पीछे आना है अरे तू सही है पीछे आना बे अरे रवि भाई पीछे ना आ जाओ ना तू कुछ भी नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे जैसे आदमी निकल रहा है अरे भाई ज्यादा मारा पीछे पीछे तो रवि भाई पूरा मिल रहा तो ले ना ले ले अरे मोबाइल मोबाइल बूम बूम मोबाइल नीचे अरे भाई थोड़ी होएगा इधर कैमरा प्ले नीचे करो भाई वो प्ले अरे किधर नीचे करो भाई हाँ ग्रुप फोटो इसके बाद ले लेंगे और जाने से पहले तो पक्की बात है ऐसा कभी हुआ नहीं ग्रुप फोटो हुई नहीं है तो झूठ मत बोलना रेडी सो कैन वी हैव सम लाइट ऑन द मीडिया ऑल्सो प्लीज आई कांट सी देम ओके थैंक यू एनीबडी विद एनी क्वेश्चंस और शुड वी फिनिश इट ऑफ Somebody give the mic there. Hi, Akshay sir, Alok here, aapke center mein. Sir, सवाल ये है कि एक तो ट्रेलर बहुत अद्भुत है इंतजार है ट्रेलर काफी दिल को छूता भी है और गाने भी दोनों बेहतरीन से लगे तो कौन सा तार छेड़ा है आपका मतलब कौन सा तार छुआ है आपके दिल में सर देशभक्ति की भावना खास तौर से जब नेशनल एंथम आता है और अपने हम कहीं भी रहते हैं तो खड़े हो जाते हैं मेरे दिन की शुरुआत ही नेशनल एंथम से होती है सवाल यह है कि गोल्ड जो पदक होता है ये आपके निजी जिंदगी में कितना अहम है क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स से एक जमाने से जुड़े हुए हैं खैर हमने बचपन से चाहे स्पोर्ट्स डे हो स्कूल में जब होता था तो तभी वो होता था जो नंबर वन आएगा उसको गोल्ड मिलेगा टू आएगा उसको सिल्वर थर्ड जो ब्रॉन्ज तो गोल्ड एक बहुत बड़ी बात होती थी और अभी भी है हाल ही में मेरे लिए मतलब करीबन दो ढाई साल पहले मेरा बेटा गोल्ड मेडल लिया उसने मार्शल आर्ट के अंदर ब्लैक बेल्ट मिला उसको तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी सो हमने सेलिब्रेट किया उस बात को तो गोल्ड एक जो चीज़ है एक परिवार के लिए एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब अगर नहीं मिलता है तो वो कमज़ोर समझना चाहिए अपने आप को हमें और मेहनत करनी चाहिए और उस चीज़ को हासिल करनी चाहिए हाल ही हमारा देश हमें फिलहाल कॉमनवेल्थ में हमें कितने गोल्ड मिले इस टाइम करीबन 18-19 मिले 18-19 गोल्ड मेडल मिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं कॉमनवेल्थ में हिंदुस्तान को सो बहुत बड़ी बात है सो इट मीन्स अ लॉट एंड रीमा कैप्टन ऑफ द शिप हैं आप मैं चाहूँगा कि या तो लेफ्ट से या राइट से सबकी एक एक खूबी जो एक डायरेक्टर के तौर पर आपने फील की है महसूस की अगर आप बता सकें
अमित से लेके सनी तक या सनी से लेके अमित तक? सो आई थिंक विथ सनी इट्स जस्ट ही सच अ नेचुरल एक्टर, इट्स अ ड्रीम फॉर अ डायरेक्टर. विथ विनीत डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, ही सो गुड, खुद ही कर लेगा. सिमिलरली विथ अक्षय सर, इट्स यू नो इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. विथ सिमिलरली विथ मोनी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू नो हर एक्टिंग केपेबिलिटीज, मोनी कीप्स अ कॉन्स्टेंट बैंटर ऑन एट द वीडियो असिस्ट, सो यू कैन नेवर हैव अ बोरिंग डे विथ हर अराउंड. कुणाल, आई थिंक अगेन आई थिंक इट्स हिज द ग्रेविटास दैट ही ब्रिंग्स टू द पार्ट दैट ही प्लेज. एंड अमित साद, अगेन आई मीन अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस एक्टिंग, you know, I think brother and friend for life. Thank you. Alok, कभी तूने ऐसा question पूछा है कि और किसी ने जवाब दिया कि नहीं मजा नहीं आया इसके साथ काम करके? नहीं सर, मेरा ये सवाल तो तू पूछता क्यों है? सर मैं जानना चाह रहा था कि सभी बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा है ये, बहुत कमाल है ये, तो कमाल ही है ये, तो उससे भी कमाल है ये. तो मैं बोलो ये क्वेश्चन जो होता है ना, मैंने हमेशा देखा है, आज तक किसी ने बोला मैं बस ये मेरी आखिरी फिल्म है, इस आदमी के साथ मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूंगा. अच्छा सर, एक अहम सवाल पूछता हूं. पिछले दिनों सत्यमेव जयते के ट्रेलर लॉन्च पे जब एक सवाल किया गया जॉन अब्राहम से कि आपकी भी फिल्म आ रही है, उनकी भी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अ फ्रेंड और एक दिन पे दो फिल्में आ सकती हैं. आपको कैसा लगता है सर, क्योंकि एक ही दिन पे ये दोनों फिल्में आ रही हैं? ही इज अ फ्रेंड बिल्कुल सही है, ही इज माई फ्रेंड. और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली वी आर ऑल फ्रेंड्स. वैसे मैंने मैं पानी पी लूं. सॉरी. सो जैसे बिल्कुल जॉन ने बिल्कुल सही कहा, वी आर फ्रेंड्स. और हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में. और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है. तो अगली बार मैं भी यही करूँगा, वी ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू सर. बिकॉज देयर ऑल्सो वी वर ऑल फ्रेंड्स. हम सब दोस्त हैं, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है. आप कोई भी दिन हो, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब आएंगे, मिल मिल के आएंगे, क्योंकि हम सब दोस्त हैं. अरे बस ना चाचा, गोल्ड के बारे में बोल ले, बस बस हो गया, बस बस वी आर फ्रेंड्स, आप और मैं भी दोस्त हैं. अक्षय सर, आपसे ये सवाल था. हाय अक्षय सर, आपसे ये सवाल था कि हॉकी हमारा सबसे पुराना गेम है और लेकिन फिर भी उसको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था, और अभी हम देख रहे हैं कि सुरमा आ रही है, गोल्ड आ रही है, तो क्या लगता है किस तरह से हॉकी को एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दर्शकों तक पहुँचेगी, तो लोग कितना उससे जुड़ पाएंगे? अच्छी बात है कि वैसे भी आपको देखो हॉकी जो है, पहले फिल्म एक चक दे भी बनी थी और उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ था, अच्छा हुआ था, फिल्म अच्छी गई थी हॉकी के बारे में. मैं तो चाहता हूं कि ऐसे क्रिकेट को बिना मतलब क्रिकेट को साइड में रखते बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे अभी कबड्डी भी काफ़ी ऊपर आ रहा है, हॉकी भी ऊपर आ रहा है, फुटबॉल आ रहा है, लोग यंगस्टर्स जो हैं वो देखना चाहते हैं अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स. सो इस फिल्म को लेके हॉकी के क्रेज़ और बढ़े, लोगों को पता चले हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था 1948 में, हमारा पहला गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड जो हमें मिला था. तो it is a great thing, it is a must thing, and it should happen that hockey should come up more and more. And even I think, I mean, so the government is supporting a lot and things are changing a lot in our country. Jaise maine aapko pehle bhi bataya, commonwealth mein things have changed. The degree of gold what we have now is much more larger than what we had earlier. Akshay sir, yeah.
उसके बारे में मैं मेरे डायरेक्टर को बोलेंगे क्योंकि उन्होंने मेरे काम किया था इस चीजों पे. Well, he worked pretty hard. I can vouch for that. He worked with the dialect coach, you know, to get that accent right. And in terms of his look, I mean, hair makeup and wardrobe, there was Taranum Khan doing makeup, Diane and Avan doing hair, and Payal Saluja doing wardrobe. It was, you know, a collaboration from all, I think, him, me, and them. And, you know, a whole lot of makeup tests and wardrobe tests later, we came up with the look. Plus, मैं दो साल कैलकटा में रह चुका हूँ और मुझे काफ़ी उसमें भी मुझे सहायता मिली क्योंकि मैं दो साल उधर काम करता था, बहुत पहले की बात है. एंड सो बंगाली एक्सेंट धीरे धीरे मैंने पकड़ा, तो इन्होंने कोच भी दिया हुआ था तो उसको सीखते सीखते थोड़ा डर था कि कैरिकेचर नहीं लगे, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है ना, आई होप सो ऐसा ना हो. अक्षय आपके राइट में, आपसे मेरा सवाल है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी चर्चा भी हुई है और इसे राष्ट्रीय गेम के रूप में घोषित नहीं किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये दर्जा मिलना चाहिए हॉकी को? और दूसरा सवाल ये है कि एक सवाल कर लेते, एक जवाब दे देता हूँ मैं, फिर भूल जाऊँगा मैं. मैम, आई होप हम इसे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, इट्स द फर्स्ट गेम, जैसे जो 1948 में फर्स्ट गोल्ड मेडल हमें मिला था. और मैं आई होप कि आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस दैट दिस फिल्म गिव्स हॉकी जो दर्जा उसको मिलना चाहिए उस हिसाब से, तो आई होप थिंग्स चेंज. अक्षय सर, सवाल है कि क्रिकेट को जितनी तवज्जो यहाँ दी जाती है और सारे गेम्स को नहीं मिलती है, लेकिन सूरमा हॉकी और इस तरह के जो गेम्स पे फिल्में बन रही हैं तो एक जागरूकता भी हुई है, और दूसरी बात अभी हाल में फुटबॉल के लिए भी उनके प्लेयर ने आकर के बात की थी तो लोग गए थे देखने, तो आपको क्या लगता है कि ये है कि क्रिकेट को ही तवज्जो मिलती है और क्या और चीज़ें हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टूडियो जो हमारा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं रितेश और फरहान, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने क्रिकेट को असाइड रख के हॉकी पे फिल्म बनाई और उन्होंने ये सोचा, रीमा ने इसके बारे में सोचा, इसके बारे में पता किया कि क्या हुआ था. मैंने जब पहली बार रीमा को मिला था तो मुझे इन्होंने पूरे इतनी बड़ी फाइल दी थी कि जो जो चीज़ें इन्होंने पता की मुझे भी नहीं पता था. एंड आई एम श्योर यहाँ इस ट्रेलर से पहले किसी को नहीं पता था कि 1948 में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला था. तो मैं तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसी फिल्म लाई सामने और लोगों के सामने पेश की. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी एंड फॉर आर कंट्री एंड फॉर पीपल एंड फॉर आर यंगस्टर्स टू नो व्हाट आर पास्ट वाज, व्हाट हिस्ट्री वाज. अक्षय सर, यहाँ पर सर, आप इस सामने सर, यह हाँ सर, सर हाँ सर, आज सर ये इस फिल्म में आप खेलते हुए नजर आएंगे क्या? हाँ, 20 सेकंड के लिए बस, तो और कितने मजे लेगा. अक्षय, एज अ किड, एज अ चाइल्ड एंड एज अ यूथ, डिड यू एवर प्ले हॉकी? यस, आई यूज्ड टू. व्हिच पोजीशन? आई यूज्ड टू बी अ गोली. ओ या, ओके, व्हाई व्हाई ओ, मतलब गुड, हां, दैट्स अ मच बेटर थिंग ना, टू गुड गोल. ओ, गोली था इसमें, क्या था, कौन सी बड़ी बात है? I wanted to ask कि गोल खाते थे कि झेलते थे? गोल खाते थे कि झेलते थे? हाँ, means used to defeat the opponent or the opponent used to. Were you a good goalie? I think that's. अच्छा, गोल खाते थे या झेलते थे? नहीं, कई गोल हो भी जाते थे, कई नहीं भी होते थे, so save भी करते थे. देखो बोलना. हम लोग जब भी शूट कर रहे थे तो वहाँ सर जब खाली समय मिलता था तो एक बॉल होती थी और सारे पूरी टीम होती थी और सभी माशाल्लाह 18 से लेकर के 30-32 साल तक के सारे प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, और वो गेम ख़त्म ऐसे होता था कि जब खेलते खेलते, सर बताएंगे उसके बारे में. खेलते खेलते मैं ये बता रहा था कि हम जब खेलते थे तो इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि शॉट के बीच में कहीं इनको बुलाना पड़ता था. हाँ, बताओ बताओ. तो आपका जो सवाल था उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे गोलकीपर रहे होंगे, गोल खाते होंगे या गोल रोकते होंगे, उसके लिए बता रहा हूँ.
छोटी बॉल होती है क्रिकेट की, और कोई भी किसी की तरफ कभी भी बॉल फेंक सकता है, जिससे ड्रॉप हुई वो बाहर। आखिरी यही बचे थे, हम लोगों ने करीब 40 बार तो खेला होगा, क्योंकि वो हम पैसों के लिए खेलते थे। तो वो बात क्यों नहीं बताता मीडिया इसलिए। मेरे कुछ हैं सर के पास। मौनी जी, मौनी जी आपके ठीक सामने कुछ, मौनी जी कुछ बताना चाहेंगे? आपके ठीक सामने लिटिल बिट ऑन योर राइट है, कुछ कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अक्षय कुमार जी के साथ में जी, जो भी स्टार कास्ट? जी हाँ बिल्कुल बताना चाहूँगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन सबके साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ आज यहाँ पर, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सो 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 ब्रिलियंट, सब अपने काम में सुपरलेटिव हैं। अक्षय सर से शुरुआत करूँगी, ही इज़ सच अ लेजेंड, एंड हर एक शॉट में वो इतने सिंसियर हैं, इतना कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। एंड बाकी सबसे अमित कुणाल सर, विनीत, सनी, रीमा, वेल उन लोगों के साथ इतना सारा इतना ज़्यादा काम करने का मौका तो नहीं मिला, बट आई एम अ फैन ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड रीमा मैम यू आर जस्ट द बेस्ट, सो या I'm very very grateful and thankful. So she's very grateful, और इन्होंने कहा है कि जब भी हमारे साथ फिल्म करेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जी promise. I'm just joking. अमित जी एंड कुणाल जी आप लोग कुछ बताइए कि आपके किरदार के बारे में कुछ अगर आप हमें थोड़ा बहुत बता सके। कुणाल तू सीनियर है तो चलिए मैं शुरुआत। हाँ तो मेरे कैरेक्टर का नाम है सम्राट, और सम्राट जो है वो टीम का कैप्टन रह चुका है, एंड फॉर हिम लाइक द अदर प्लेयर्स द ओनली ड्रीम इज कि एक दिन अंडर देयर इंडियन फ्लैग दे विल विन अ मेडल, बिकॉज दे विन वन अ मेडल अ लॉट ऑफ टाइम्स बट दे वन अंडर द ब्रिटिश फ्लैग, सो फॉर देम द ड्रीम इज दैट कि एक दिन हम लोग इंडियन फ्लैग के अंडर ये मेडल जीतेंगे, एंड ऑब्वियसली तपन बाबू हु इज प्लेड बाय अक्षय सर, ही इज द वन दैट ड्राइव्स दैट ड्रीम। सो या आई मीन देयर इज अ लॉट आई कैन से अबाउट सम्राट, बट आई डोंट लेट आउट टू मच, except for the fact that he's a great leader, he's somebody that is a player, also becomes the coach of the team. Yeah, Amit ji, aap shayad jante nahi hain jab hum paida hue the na to doctor ne hame pitaji ko bula tha, badhai ho aapke ghar mein center forward paida hua hai, Raghubir Pratap Singh. Okay. Hi Moni. Hi. उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहता हूँ रीमा को, उन्होंने इतनी प्यारी फिल्म बनाई है, और मैं बहुत खुश हूँ अक्षय सर के साथ काम करके। सर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो एक बहुत कमाल की चीज़ मुझे दिखी, जो मैंने सीखा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं हो पाता, सर ने खुश रहने का टेंडर लिया है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी बारिश हो रही है, कितनी भी मुश्किलें हों सेट पे, मैंने कभी सर को परेशान नहीं देखा, एक मुस्कान रहती है और एक बड़ा अच्छा सा माहौल रहता है, और हम 40 घोड़े थे सेट पे जिन्हें संभालते रहते थे, उलझाए रहते थे छोटी छोटी चीज़ों में, और इन छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चीज़ें सर ने सिखाई हैं, वो मेरे साथ रहेंगी। मेरा किरदार है इम्तियाज़ शाह का, इससे ज्यादा अभी कुछ मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिल्म देखिएगा 15 अगस्त को, थैंक यू। अक्षय जी। हाँ जी, तो मैं भी यही शुरुआत करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रीमा, अक्षय सर, मौनी एंड एवरीबडी, रितेश एंड फरहान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। किरदार के बारे में ये है कि पंजाब का है, एक गाँव को बिलोंग करता है, हॉकी खेलना पसंद है, ज़्यादा सोचता नहीं है, बस देश से प्यार है, हॉकी से प्यार है, और खेलना है उसे बस, बाकी तो कुछ है नहीं इसके पास। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी अक्षय सर से कुछ सीखा हूँ, वो है कि इनके आसपास कभी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इनमें कमाल का टैलेंट है, मेरे साथ कर चुके हैं, देखिए आज मैं घड़ी पहनने वाला था लेकिन पहन के नहीं आया, ये किसी की भी घड़ी कुछ 8 या 9 सेकेंड में उतार सकते हैं, तो आप जरा संभाल के सिर्फ घड़ी नहीं है। हाँ सब, मैं वो बोलने वाला था,
सिर्फ घड़ी नहीं, लेकिन अगर किसी ने घड़ी पहनी है आज और अगर आप हाथ मिलाने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरा था. मुझे तो खूब गुड लक मनी मिली यहाँ पे, क्योंकि मैंने खेला नहीं पर मुझे गुड लक मनी मिली. यस, चिड़िया नहीं मिला तो मैं आई थी गेम देखने के लिए, फिर एक्टर जीत गए और मुझे गुड लक मनी मिली. और आप भी हमें वो करते हैं 8,000 rupees बाय द वे. ये पर्सनल बातें बाद में कर लें. अक्षय जी, इस फिल्म के दौरान बंगाली कितनी शार्प हो गई आपकी, एंड वो जो हमें रोमांटिक सीन देखने को मिला जहाँ पर स्क्रीन भी थोड़ा फ्रीज हो गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप हमें कुछ बताना चाहे तो? आपके ठीक सामने यहाँ. आदि फिल्म के अंदर मेरा बंगाली एक्सेंट रखा है, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म है, तो इसके अंदर हिंदी बोलता हूँ लेकिन बंगाली एक्सेंट में बोला हुआ है. तो इसमें मुझे बंगाली सीखनी नहीं पड़ी लेकिन बंगाली एक्सेंट सीखना पड़ा था. और वो रोमांटिक सीन, हाँ, रोमांटिक सीन के बारे में क्या चाहिए आपको? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ, एक्सपीरियंस बेटा, तीन शॉट थे, तीन शॉट में क्या एक्सपीरियंस होगा? मौनी, पहली फिल्म और बीइंग अ बंगाली आपके लिए तो होम ग्राउंड रहा ये. सबने बताया कि अक्षय से ये सीखा वो सीखा. मैं जानना चाहूंगी आप कितना बंगालीपन सिखा पाई सबको, या क्या कुछ रहा सेट पर? नहीं, आई मीन जैसा कि अक्षय सर ने बताया, फिल्म हिंदी में है तो एक्सेंट पे वर्क करने की ज़रूरत थी. आई थिंक मुझे भी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी. मैंने सिर्फ अपनी माँ से कहा एक बार कि माँ आप हिंदी में बात करो, तो मैंने वही थोड़ी बहुत फॉलो करने की कोशिश की. एंड ऑब्वियसली डायलेक्ट कोच भी होते थे सेट पर, और रीमा मैम भी थी, रीमा भी थी. सो और पर ये बात सच है, हम सबको इनसे कुछ ना कुछ, जैसे कि इन्होंने कहा कि अक्षय सर हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा एक माहौल बना हुआ रहता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, अगर सुबह सुबह उठ के आपको काम पर जाने का मन करे, देन आई थिंक द रेस्ट ऑफ द डे एंड ऑल योर सीन्स गो वेरी वेरी वेल. सो इट्स ऑल थैंक्स टू रीमा एंड अक्षय सर. हाय अक्षय, संदीप.